गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द फिट फॉर टुडे। एंड जो पूरा प्लान है वो मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगी। एंड रूम में इतना बड़ा मिरर दिया है तो सोचा मैंने थोड़ा फोटो वीडियो कर ही लेती हूँ। सबसे अच्छा पहाड़ का राजमा। हाँ, वही ना, उन्होंने कहा कि वहाँ पर राजमा अच्छा लगा। तारीख 6 अक्टूबर 2024 और मैं खड़ी हूँ अभी शेरी पंजाब का जो रेस्टोरेंट है उसी के जो आउटडोर सीटिंग एरिया है वहीं पे मैं खड़ी हूँ। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। और अभी बज रहा है सुबह के 8:15 और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे रुके हैं। और आज का जो प्लान है वो मैं आपको बता देती हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं शिमला से सांगला की तरफ और रास्ते में जितना सारा स्पॉट्स है वो हम लोग कवर करते हुए जाएंगे, जैसे कुफरी फागू एंड रामपुर, तो वो सब जगह हम कवर करते हुए जाएंगे। और अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे, खाना आते ही मैं आपको दिखा दूँगी। और शिमला और सांगला के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 225 किलोमीटर, तो हमें जाते हुए 6-7 घंटे लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है रास्ते के ऊपर एंड ऑल अदर कंडीशंस। एंड शिमला का जो एक एस्टिमेटेड एवरेज एक हाइट है वो है 2276 मीटर above the sea level and सांगला है 2680 meter। हम लोग यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा सा है। एंड वहाँ पर हम 2 नाइट स्टे भी करेंगे, सो कीप वॉचिंग। हम लोग पहुंच गए हैं नारकंडा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HRTC बुकिंग, यहाँ पे आप करवा सकते हो। नारकंडा हम लोग आ गए हैं और यही भी हम लोग चाय पियेंगे, फिर हम सांगला की ओर बढ़ते हुए आगे की तरफ
इस रास्ते से चले जाएंगे। ढाई बज रहा है अभी दोपहर के, और अभी मैं खड़ी हूँ जहाँ पे, ये है रामपुर बुशहर जो जगह है, जो आप जब शिमला से सांगला की तरफ जाओगे तो ये रास्ते में पड़ेगा। एंड हम लोगों ने यहाँ से अभी लंच किया। एक्चुअली मैंने लंच नहीं किया, मैंने जस्ट थोड़ा सा टेस्ट किया था वो मक्की की रोटी और सरसों का साग तो उसका मैंने वो खाना टेस्ट किया, वो अच्छा था, थोड़ा सा कड़वा था, मुझे पता नहीं था थोड़ा कड़वा होता है, आई थिंक सरसों का साग थोड़ा कड़वा टेस्ट करता है। एनीवे एंड आफ्टर दैट एक्चुअली मैंने लंच नहीं किया, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप जब पहाड़ में जा रहे हो खाने का बहुत प्रॉब्लम्स हो जाता है, जिसके कारण डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं एंड यू नो थोड़ा नॉशियस फील होता है। तो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली वाज हैपनिंग टू मी टुडे, एंड फॉर दैट रीज़न मैंने खाना स्किप किया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू यू नो फील बेटर फर्स्ट, ताकि मैं खुद को ओवरलोड ना कर लूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ से छाछ भी ट्राई किया। मैं लस्सी ढूंढ रही थी बेसिकली, बट यहाँ पे इन लोगों के पास आज लस्सी नहीं था बिकॉज दही नहीं जमा था। तो बट यहाँ पे एक लोकल जो आंटी बैठी थी उन्होंने ऑफर किया, उनको खुद घर से बना के लाई थी छाछ वो बना के लाई थी। तो उन्होंने वो जो दुकानदार उन्होंने मुझे ऑफर किया, ही सेड दैट यू वॉन्ट यू ट्राई ऑब्वियसली। मैंने सोचा ठीक है ट्राई कर लेती हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया, पहले मैंने कभी खाया नहीं था। ओके तो मुझे नहीं पता था इसका जो टेस्ट होता है ये थोड़ा सा खट्टा होता है, इतना ज़्यादा खट्टा, तो मुझे इनिशियली लग रहा था ये खराब हो चुका है दही और समथिंग, बट इन लोगों ने बताया दिस इज हाउ द टेस्ट। ओके मुझे अपना पेट थोड़ा ठंडा रखना था तो इसलिए आई ड्रैंक दैट। तो चलते हैं। तो यही से अभी हम लोगों ने लंच किया है, और यहाँ पे आप इनका गेस्ट हाउस भी, आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो, और हम लोग नीचे वहीं पे बैठ के हम लोगों ने लंच भी किया। अरे ना कर दे, ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे कॉल करके बुकिंग करवा सकते हो। Hallelujah, yeah.
अभी हम लोग सांगला की तरफ जा ही रहे हैं और बहुत ही पास आ चुके हैं, सांगला पहुंचने वाले हैं। और उसके पहले हम यहाँ से चाय पियेंगे वादांग थाबा से और फिर बढ़ जाएंगे सांगला की तरफ। और चारों ओर इतना ठंडी, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, पूरा कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ठंडा हवा है, अभी तक मैं जैकेट नहीं पहनी हुई थी बट यहाँ पे जैकेट पहनना इज मैंडेटरी। बहुत ठंडा हवा चल रहा है और आसपास का व्यू भी बहुत काफ़ी अच्छा है। चारों ओर आपको पहाड़ दिखेगा पूरा, बहुत सारा यहाँ पे पहाड़ है। और उस तरफ यू कैन सी द सनलिट माउंटेंस, वहाँ पे सन रेस पड़ा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरफ अंधेरा और उस तरफ उजाला है पूरा। अभी बज रहे हैं 5:50 शाम के और अभी हम लोग हमारे जो होटल है यहाँ पे सांगला में हम लोग चेक इन कर चुके हैं। एंड द व्यू इज जस्ट ऑसम, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हाउ ब्यूटीफुल द व्यू इज। पूरा सांगला वैली यहाँ से दिखता है, नदी, सेटलमेंट एंड सो मच मोर। एंड काइंड ऑफ ये थोड़ा ऊपर की तरफ है तो वी आर गेटिंग अ ब्यूटीफुल टॉप व्यू। ओके, एंड हम लोग ने थोड़ा रूम चेंज करवाया, आई एम गोइंग टू गिव यू द रूम टूर। तो इस होटल का नाम एंड डिटेल्स आई विल बी मेंशनिंग हियर, बट फर्स्ट मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। तो एक साइड का व्यू इस तरफ है, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे पहाड़ और यहाँ पे रास्ता देखने को मिलता है और यहाँ पे है बहुत सारा घर। और वहाँ पे जो नदी आपको देखने को मिल रहा है दैट इज द बासपा रिवर। ओके, जो कि सतलुज नदी का ही एक ट्रिब्यूटरी है, शाखा है। एंड ये जो पूरा यहाँ पे जो व्यू आपको मिल रहा है दिस इज वन साइडेड व्यू, ओके, फ्रॉम द बैल्कनी। हम लोग एकदम टॉप फ्लोर में स्टे कर रहे हैं। दीज आर द टू रूम्स जो हम लोगों ने चेंज करवा के लिया, उसका मैं टूर दे दूंगी, बट दिस इज द व्यू। एंड चलिए रूम टूर करवा देती हूँ। तो दिस इज आर टू रूम, रूम नंबर 18 इज वन ऑफ देम, वन ऑफ दोज रूम्स। ओके, सो द रूम ऑब्वियसली यहाँ पे बेड है, काफ़ी स्पेस है। This is the washroom, as you can see. You know, it's quite spacious. वहाँ पे एक विंडो भी दिया हुआ है जो कि मुझे नहीं लगता कोई काम का है। ओके, यहाँ पे बहुत बड़ा एक विंडो है, चाहे तो हम खोल के रख सकते हैं। देन देर इज द अलमीरा, टी वी, विंडो अगेन, सीटिंग स्पेस। एंड लेट मी टेक यू आउट इस तरफ। ये हमारा बैल्कनी की साइड का व्यू है। तो ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट पड़ता है, तो यहाँ पे सुबह को सनराइज़ होगा। एंड हम लोग आराम से यहाँ से निकल के सनराइज़ का व्यू भी देख सकते हैं। एंड इस तरफ आपको रास्ता देखने को मिलेगा। ओके, दिस इज़ द, हम लोग इसी रास्ते से आए हैं इस होटल में घुसने के लिए। और नीचे यहाँ पे है इस होटल का एंट्री पॉइंट। ओके, एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द अदर साइड ऑफ आर रूम। तो हमें काइंड ऑफ पूरा 360 डिग्री व्यू मिल रहा है फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ दिस होटल, विच इज़ ब्यूटिफुल। और सांगला वैली इतना सुंदर है, आई डिडेंट एक्सपेक्ट इट टू बी दिस ब्यूटिफुल ऑनेस्टली।
बट दिस इज एक्सीडिंग माई एक्सपेक्टेशंस मोर देन एनीथिंग. तो ये है सांगला का मॉल, जहाँ पे पूरा मार्केट आपको दिख रहा होगा, छोटा सा है और आज संडे है जिसके कारण बहुत सारा दुकान आज बंद है. हम यहीं पे आज डिनर भी कर लेंगे, यहीं से कोई एक दुकान से. मिष्टि का बेटा देखेছিলাম करतार स्वीट शॉप. कौन सा वाला? एक ये डोडा बर्फी. हाँ और वो नीचे वाला बाकी जो है अच्छा वो वाला ऊपर पला हुआ है. किस तरह लग रहा है? अलग अलग ये भी आजकल बड़े नए नए ड्रामा चल पड़ा. अरे इसकी जानकारी भी है ना, आया ना इधर, ये इसे देख के हमको आइडिया हुआ ना, मेमोरी मेमोरी. हाँ ये जो दुकान है ना इधर, वही हम देखा कि भाई वो तो फलाना दुकान है, वो दिखा है. हाँ ऐसे करके इधर आए. हम जस्ट टेस्ट करते नहीं नीचे ला, जस्ट ट्राई करते नहीं, क्यों ट्राई करूँगा. मैंने तो अभी बज गया है 7. गाड़ी तो ये थका जाने थका जाने थाना में गाड़ी. अभी 7 ऑलरेडी बज चुका है शाम के और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे होटल में. वे रिटर्निंग. स्वागतम सांगला द्वार. इसी के अंदर जाके आपको सांगला का जो महल है वो मिलेगा. और अभी हम इस ब्रिज से होते हुए घर की तरफ जाएंगे. अभी बज रहा है रात के 10:15 बजे, 10:15, एंड अभी हम लोग सोने जाएंगे. आज का जितना सारा मील्स प्लान्स था, जो जो हम लोगों ने किया, जो जो रेस्टोरेंट्स मैंने नया नया एक्सप्लोर किया, एंड ऑल द ब्यूटिफुल व्यूज वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम शिमला टू सांगला, वो सारा इस वीडियो में है. वैसे आज मैंने ज़्यादा कोई स्पॉट कवर नहीं किया, लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स, बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू ट्रैवल एंड यू नो एक्सप्लोर डिफरेंट टूरिस्ट स्पॉट्स जो लोकल है या फिर फेमस है. तो कल का प्लान मेरे नेक्स्ट व्लॉग में रहेगा. द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज यू विल फाइंड दैट, सो गो वॉच द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ माई किन्नौर सीरीज. एंड अगर आपको मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. दैट्स इट. गुड नाइट. स्लीप वेल.